हाय एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल तो आज हम थर्ड ऑफ अक्टूबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड प्रेस द बेल बेलाइकन तो वी वांट गो इन डिटेल बट ब्रीफली हम देख लेंगे क्या क्या न्यूज़ हैं एंड एज आई एम नॉट फीलिंग वेल सो बट आई प्रॉमिस यू यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है तो जरूर आप देखें वीडियो तो so, सबसे पहली जो न्यूज़ थी ये हाथरस जो गैंगरेप हुआ था उसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिए हैं जो वहाँ के तीन एसपी थे और प्रॉमिस किया है कि एग्जम्प्टी पनिशमेंट इनको दे, देंगे है ना क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था नाइनटीन ईयर ओल्ड दलित वुमेन शी डाइड ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सेप्टेम्बर एंड शी वॉज ब्रूडली असोल्टेड एंड एलिजली गैंगरेप बहुत ही बुरा उनके साथ किया गया था एंड अभी उनकी रिसेंटली मौत हो गई थी और मौत के बाद जो था पुलिस ने बहुत ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटी शो की उन्हें विदाउट कंसेंट ऑफ हर फैमिली वो उन्होंने क्या कर दिया बिना फैमिली की इजाज़त के उसको क्रीमेट कर दिया गया ठीक है तो ये चीज़ है अब यहाँ पे मैंगो स्पेशल टू बनाना स्पेशल किसान रेल गेट्स ऑन ट्रैक ओके तो यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है ये लोड किए जाएंगे किसान रेल ट्रेन में एंड ये जो सर्विसेज है ये बोला जा रहा है कि जो सिग्निफिकेंस है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है क्योंकि अभी जो न्यू फार्म लॉज आए हैं ना तो उसमें क्या बोला गया था कि किसानों को आज़ादी होगी कि जो ए सी मंडीज हैं उससे भी बाहर वो अपने जो प्रोड्यूस है उसको सेल कर सकते हैं है ना तो जिसको भी मतलब कोई भी उनका बायर हो सकता है उनकी चॉइस का तो एक तरह से उसी का पार्ट है मैंगो स्पेशल फ्रॉम आंध्र प्रदेश से आएगी टू डेली फ्राम अप्रैल टू जून ठीक है अब इसमें ऐसा ही नहीं है कि मैंगो ही मैंगो होंगे इसमें क्या होगा टोमैटो बनाना पोमिग्रेन मक्स मिलन एंड वाटर मिलन भी होगा इसमें एंड uh, इसी पर इसलिए फोकस किया बिकॉज आई लाइक मैंगो तो आपको जो पसंद है चीकू वो भी देख लो कहाँ से कौन सी ट्रेन कहाँ से आएगी ठीक है अनियन सपोटा दैन जो नेक्स्ट न्यूज़ है नो यू पी एस सी कैंडिडेट भी स्टॉप फ्राम रीचिंग एग्जाम सेंटर तो कोई भी यू कैंडिडेट जो है चाहे वो कंटेनमेंट जोन में ही क्यों ना हो ठीक है कंटेनमेंट जोन में ही क्यों ना हो तो वो उसको भी नहीं रोका जाएगा आपका जो हॉल टिकट होगा ठीक है वही आपका पास होगा और आप आराम से जाइए ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में ना भरें कि हमें जाने नहीं दिया जाएगा या कुछ भी ठीक है तो आप टाइमली आप पहुँचे अपने जो सेंटर है वहाँ पर एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं आई होप कि उनका प्री मेन्स और इंटरव्यू तीनों ही एक साथ इस बार ही क्लियर हो जाए है न तो ठीक है और ये न्यूज़ पेपर तो मतलब रेगुलरली देखना ही चाहिए क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं और, और रात को प्लीज़ टाइम पर सो जाना है ना अक्सर लोग ये गलतियाँ करते हैं कि टाइम पे नहीं सोते फिर उनको एग्ज़ाम देते देते भी नींद आती रहती है तो ये चीज़ें बिल्कुल मत करना एटलीस्ट मतलब प्रीलिम्स से हमें पहले ही ऐसा करना चाहिए तीस दिन पहले ही कि हमको रात का शेड्यूल जो है टाइम पे सोने का बनाना चाहिए और सुबह जल्दी उठने का बनाना चाहिए तो ये होना चाहिए तो स्टार जो स्ट्रा बैग है ये ठीक है स्ट्रा बैग जो है ये ऑस्ट्रियन कंपनी है ऑस्ट्रियन कंपनी इनका हेड क्वार्टर जो है वियना में है और ये काफ़ी सारे इंडिया में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ये करती है ऑपरेट करती है जैसे रोड टनल्स में ठीक है रेलवे टनल्स में मेट्रोज में हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें एफकॉन जो अंडरग्राउंड वर्कस होते हैं उसमें भी ये क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है और एफ ने भी ठीक है एफ भी है जो शाहपुर पलोन्जी ग्रुप है उसी का ये पार्ट है शाहपुर पलॉन्जी ग्रुप जो है वो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कोंगलोमरेट है ठीक है काफ़ी ज्यादा रिन डाउंड कंपनी है 350 सौ पचास इंफ्रा प्रोजेक्ट इनके इन मोर देन 22 कंट्रीज ठीक है ये भी काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जो है एफकॉन ने आपको बताया कि जो इंडिया का लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है ना तो गोदावरी में अन्नाराम बैरिज जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया है ठीक है एफकॉन ने गोदावरी रिवर पर क्या है अन्नाराम ब्रिज बैरेज ठीक है अनारम बैरिज जो है सक्सेसफुली बिल्ड किया है तो ये भी पता होना चाहिए कंप्लीट किया उसको देन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने क्योंकि अटल टनल बनाई है तो इस वजह से इनके इनाग्रेशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन इन्होंने दिया है तो ये आर्टिकल मतलब क्लासिफाइड टाइप के ऐसे सोच के ऐसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए इनको देख लेना चाहिए एक बार क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज्यादा दी होती है अटल टनल के बारे में देख लो इट्स अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मोटरेबल टनल World's longest motorable tunnel, 3,000 meter above sea level, and 9.2 kilometer tunnel bypasses the perilous Rohtang Pass. Yeh हर साल कनेक्टिविटी देगी मतलब पूरे साल भर कनेक्टिविटी देगी बिटवीन मनाली एंड लाहौल स्पीति और जो पहले जो डिस्टेंस होता था उस डिस्टेंस को भी रिड्यूस कर दिया है मनाली एंड लेह में बाय फोर्टी सिक्स किलोमीटर एंड सेफ्स ट्रेवल टाइम बाय फाइव आवर्स ठीक है मैक्सिमम व्हीकल स्पीड जो होगी टनल के अंदर वो कितनी हो सकती है एट्टी किलोमीटर पर आवर और फर्स्ट टनल ये ऐसी है जिसमें मेन टनल के अंदर ही एक क्या बनी हुई है साइड बाई साइड टनल भी बनी हुई है एंड ऑल वेदर टनल है विल ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और जो हमारे लाहौल स्पीति रीजन है तो वहां पर यह टूरिज्म को बूस्ट करेगी ठीक है रशिया के साथ हमारे जो है ट्वेंटी एनिवर्सरी ऑफ द डिक्लेरेशन ऑन ए पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड इंडिया तो यहाँ पे कुछ अगर हम देखें रशिया से हम क्या क्या मतलब रशिया बहुत ज़्यादा वैसे तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इस्ट्रेटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो हमारी जो इंगेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है कहाँ पे बढ़ रही है रशियन फार ईस्ट ऑयल है ना एक ये जहाँ पर हम अभी विजिट भी किया था तो आप उस लोकेशन का क्या आप मुझे नाम बता सकते हो कौन सी लोकेशन थी जहाँ पर फार ईस्ट मतलब वो रीजन था प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया था ठीक है एंड गैस कुकिंग कोल डायमंड्स इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्रोजेक्ट्स टुगेदर वी वर्क टू एक्सपेंड रीजनल कनेक्टिविटी तो इन सब चीज़ों में हम काफ़ी ज़्यादा हमारा कोऑपरेशन है एंड इस चीज़ के लिए हम मतलब रशिया पे डिपेंड हैं काफ़ी ज़्यादा एंड यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन एफ और जो यहाँ से जो थर्टी बिलियन जो म्यूचुअल ट्रेड है ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ाइव में इसको इतना करना है एंड अभी आपको पता है कि हम हम जो है नॉन परमानेंट मेंबर भी बन गए हैं यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ट्वेंटी ट्वेंटी वन से हम इसको हेड करेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक और उसके बाद हमारे काफ़ी जैसे जी ट्वेंटी ब्रिक्स एस सी ओ आर आई सी है ना तो यहाँ पर भी हम एक साथ इन प्लेटफॉर्म्स में हैं है ना आर आई सी रशिया इंडिया चाइना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स है जी ट्वेंटी है यहाँ पे रशियन स्पूतनिक फाइव देख सकते हो तो ये एंटी कोविड नाइन्टीन वैक्सीन है ठीक है ये क्या था अभी फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन रजिस्टर की गई है रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा रशिया में एलैंथ ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी को स्पूतनिक फाइव ये डेवलप की गई ज्वाइंटली बाई जमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री और नाइनटीन में ये फर्स्ट स्पेस सेटेलाइट थी ठीक है बाय सोवियत यूनियन तो रशिया का नाम उस टाइम पे सोवियत यूनियन था तो स्पूतनिक वन जो थी फर्स्ट स्पेस सेटेलाइट थी और उसके इसी के नाम पे ही इसको क्या रखा गया है कोविड नाइन्टीन वैक्सीन स्पुतनिक फाइव ठीक है न्यू रशियन कोविड नाइन्टीन अब इसके लिए भी हम काफ़ी ज़्यादा मतलब रशिया हमको बोल रहा है कि पहले जो है आ, इंडिया को हम इसका एक्सपोर्ट करेंगे है ना और इसमें कोरोनिल मिला के इसको स्पूतंजलि इस बना देंगे <laughs> भीम आर्मी वर्क्स डंप गार्बेज आउटसाइड हाथरस डी जयपुर तो ये हाथरस के जो डीएम है उनके नाम के प्रवीण कुमार लक्सर तो इन्होंने भी अभी जो मतलब इंडियन एक्सप्रेस की है एक जिज्ञासना करके एक जर्नलिस्ट है तो वो गई थी विक्टम्स की फैमिली से मिलने के लिए तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि जो ये डीएम है ये क्या बोल रहे हैं कि अपने स्टेटमेंट चेंज कर दो है ना तो इसको ऐसे बोल रहे है. तो ये क्या नाम है प्रवीण कुमार लक्सर इनका नाम है ऐसे ही ये बात कर रहे हैं अपने पद पाने के बाद इंश्योरिंग एन इक्वल पोस्ट कोविड वर्ल्ड फॉर वुमेन सेज ईरानी तो यहाँ पे क्या है ईरानी said ऑन ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑन द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वूमेन ठीक है तो फोर्थ फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वूमेन ये चल रही थी न्यू डेली में और इसमें यहाँ पर ये बात बोला गया है कि जो आ, बच्चों में और जो एडोलेसेंट गर्ल हैं ठीक है तो उसे इंडिया को क्या करना है 2022 तक माल न्यूट्रिशन फ्री को पोषण मुक्त भारत बनाना है तो यही चीज़ इसमें बोला गया था ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी थी फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन वुमेन की एंड नेशनल न्यूट्रिशन मंथ ठीक है तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंतर्गत भी होता है सप्टेम्बर को तो मंथ ही माना जाता है नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अब ये द गैंग रेप और ये आउट लॉ तो ये सारे आर्टिकल हम मतलब बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं वैसे बस यहाँ पे यही सब चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो विक्टम है उसको यहाँ पे इन्होंने इंडिया बोल दिया है कि वो उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो ब्रोक नहीं हुई है बल्कि हमारी जो इंडियन स्टेट है इंडियन स्टेट इज़ ब्रोकन है ना यही चीज़ बोला गया है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हाथरक डिस्ट्रिक्ट जो 200 किलोमीटर दूर दूर है दिल्ली से वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ और ये जो उनकी मदर है उनका साफ साफ ये स्टेटमेंट था एफ फाइल नहीं की गई थी इमीजिएटली जबकि लॉन्च लॉन्च होनी चाहिए एफ है ना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और विक्टम को अगर ज़रूरत है तो हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा और उसका मेडिकल जो लीगल केस है वो भी बनता है है ना फिर क्लोदिंग वगैरह उसके वो भी प्रिजर्व करने चाहिए रिकॉर्डिंग करनी चाहिए इंजरीज की ये सारे हॉस्पिटल में होने चाहिए और जो सेक्शन 164 है ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ द सर्वाइवर इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इनको इंश्योर करना है पुलिस को ठीक है बाय द पुलिस की कि पुलिस क्या करे मजिस्ट्रेट के सामने इनको लाए और अगर इस बीच में मतलब ये सारी प्रोसीडिंग के बीच में अगर जो सर्वाइवर है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो बॉडी है वो किसको हैंड ओवर करनी होगी उसकी फैमिली को ठीक है आफ्टर पोस्टमार्टम एनालिसिस वो हैंड ओवर करनी होगी तो लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ें हुई ऐसा नहीं हुआ इंडिया के साथ तो यही चीज़ बोला गया है कि आ, सारी बस यही बातें पे बोली गई है ना कि जो गैंग रेप है इंडिया में वो एक तरह से रूटीन वो बन गया है रेगुलरली हमें इतनी सारी न्यूज़ सुनने को मिलती है अभी न्यूज़पेपर में ही अगर मैं उसी पे फोकस करूँगी तो मुझे बहुत सारी न्यूज़ इससे रिलेटेड मिलेगी कि उसके साथ ये हेरासमेंट ये हेरासमेंट वो चीज़ें हुई है एंड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूडियल इंडिया देर वॉज सोशली सैक्शन कंट्रोल ऑफ़ द अपर कास्ट तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो लेबर बॉडीज़ हैं है ना तो वहाँ पर लोअर कास्ट को मतलब पहले से ही ऐसा देखा गया है कि उनका जो अपर कास्ट है तो उनका हक है उन पर लोअर कास्ट वालों पर और वो कुछ भी उनके साथ कर सकते है ना और तो इसमें इसमें यही सब चीजें बताई गई हैं आउट लॉ तो ये वाला जो आर्टिकल था ये भी वही है कि जो मतलब इतना ज्यादा यूपी पुलिस ने एक तरह से क्या कर रहे हैं वो वहां पे बैरिकेडिंग uh, वगैरह कर दिया पोजीशन लीडर के लिए वहां पे जाने से मना कर दिया जब उसका क्रिमेशन किया गया तो भी लोगों को वहाँ पे जो था एंट्री नहीं करने दी सुबह के दो तीन बजे कर दिया गया और जो उसके घर वाले थे उसको अंदर ही वहाँ पे बंद रखा गया और वहाँ पे लगातार जो है एनकाउंटर्स हो रहे हैं वन हंड्रेड फिफ्टीन लास्ट काउंट है वहाँ पे एंड एम वन हैज़ देर इज़ नो एक्शन जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं तो पुलिस मैन के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं यही सब चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं इन दो आर्टिकल में टू ग्रेटर प्रिक्योरिटी तो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बाय रवि श्रीवास्तव ठीक है द राइटर इज़ फॉर्मर मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन दर्गनाइज सेक्टर तो यहाँ पे इन्होंने फॉम मतलब तो जो लेबर रिफॉर्म और ये सब चीज़ें हुई हैं तो इन्हीं से रिलेटेड बातें इन्होंने की हैं कि अगर हम बात करें तो चाहे वो इंडस्ट्री और सर्विसेज हो है ना, तो काफ़ी सारी जो जॉब है लोगों की चली गई हैं या फिर जाने वाली हैं तो एक तरह से उनको जॉब की इनसिक्योरिटी है एंड सर्विसेज इंक्रीजिंगली बिकम जॉब्स विच डिन नॉट ऑफर एन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी कुछ तो मतलब ऐसे टेम्प्रेरी जो सर्विसेज हैं वो ऐसी हो गई हैं जो उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है ना 2004 से 5 और 2017 से 18 की अगर हम बात करें तो जो सैलरीड वर्कर्स थे एग्री आउटसाइड एग्रीकल्चर विदाउट एनी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो उनमें इंक्रीजमेंट हुआ है सिक्सटी परसेंट से सेवनटी वन परसेंट और प्राइवेट और पब्लिक में uh, भी जो लिमिटेड कंपनीज़ हैं वहाँ पर भी ये जो रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है है ना फिफ्टी से सेवेंटी वन परसेंट तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि जो यहाँ पे जो रिस्पांस था कि थ्री रिवाइज लेबर कोड बिल्स थे अब जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पहला दूसरा है हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन दैन सोशल सिक्योरिटी ठीक है तो ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए थे मानसून सेशन में जब ये ऑर्डिनेंस पहले लाए थे और उसके बाद जो थे ये पास हो गए बिना किसी डिस्कशन और डिबेट के सितंबर 23 फार्मर्स पे ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट किए गए लेकिन इस पे ज़्यादा नहीं किए गए एंड दिस थ्री लेबर कोड अलोंग विद द कोड ऑफ वेजेस अप्रूव्ड कर लिया ठीक है जो कोड ऑफ है तो ये तो पहले ही अप्रूव कर लिया गया था लेकिन बाकी के जो थे वो पहले अप्रूव नहीं किए गए थे तो मेन यहाँ पे ये कहना है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट था ठीक है ये देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट एक्ट तो इसमें इन्होंने फिक्स्ड टर्म को क्या किया था अमेंडमेंट करके फिक्स टर्म को ऐड करने की बात की गई थी स्टैंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू है ना तो इससे मतलब ये बोला कि इससे कैरियर ग्रोथ होगी और जॉब uh, सिक्योरिटी की बट इसमें कोई भी कैरियर ग्रोथ और जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है क्यों क्योंकि आपको अगर बोला जा रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या करना है कि आपको छः सिक्स मंथ तक काम करना है ठीक है तो एक कॉन्ट्रैक्ट वो हो गया फिक्स्ड टर्म यही हो गया कि फिक्स्ड टर्म सिक्स मंथ तक आपको करना ही करना है तो उसके बाद आप क्या कर सकते होंगे फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन का आपसे कोई मतलब नहीं है तो आपको निकाल देंगे छः मंथ के बाद तो इसमें आपकी क्या ग्रोथ क्या प्रोस्पेरिटी क्या आपका मतलब इसमें जॉब सिक्योरिटी है ना तो एक तरह से ये तो टेम्प्ररी जो जो फिक्स्ड टर्म है उसको प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा तो यही चीज़ें बोली जा रही हैं कि जो क्राइसिस ऑफ प्रिक्योरिटी है दैट मैनिफेस्टेड इन द प्लाइट ऑफ सर्कुलर माइग्रेंट्स वाज नॉट क्रिएटेड इन अ डे अब ये सर्कुलर माइग्रेंट्स यही होते हैं कि अभी जो जब कोविड हो गया था तो लॉकडाउन में वो पहले तो अपने घरों से सबसे पहले जो दिल्ली वगैरह में थे मुंबई वगैरह में थे तो यूपी बिहार यहाँ के ही तो माइग्रेंट्स थे तो अभी जब लॉकडाउन हुआ तो वापस वहाँ पे चले गए तो उन्होंने गांव में जॉब करना स्टार्ट किया है ना जो मनरेगा के तहत काम किया बाकी अपने जो रोज़ी रोटी जो खा सके दो पल की तो उसके लिए गाँव किया लेकिन उनके लिए वो लग रहा है कि वो सफिशेंट नहीं है वो अपने परिवार को मतलब पूरा नहीं कर सकते तो वो फिर क्या कर रहे हैं जब अब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है तो वापस सिटीज की ओर आ रहे हैं तो ये सर्कुलर माइग्रेंट्स हैं और यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि काफ़ी सारे चेंजेस इन्होंने मतलब पहले बोला था कि पार्लियामेंट में इस तरीके से ये चेंजेस इसमें लाने चाहिए टू का जो बिल था और टू का लेकिन उस पर ज़्यादा ऐसे फोकस नहीं किया गया तो इन्होंने ये था कि जो एम्प्लॉयमेंट और जो मतलब एम्प्लॉयज़ और जो लेबर होता है उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए है ना अब जैसे जो आई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे क्या होते हैं स्टेक होल्डर्स होते हैं मैंने आपको ये बताया था जब मैं इस बॉडी के बारे में बता रही थी कि यहाँ पे तीनों स्टेक होल्डर होते हैं यानी कि आपका लेबर भी बैठते हैं यहाँ पे एंड गवर्नमेंट भी यही एक ऐसी बॉडी है जहाँ पे तीनों होते हैं एंड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स जो है वो भी यहाँ पे बैठते हैं ठीक है तो इन तीनों के बीच में ही एक मतलब बैलेंस होना चाहिए ताकि तीनों की बातें सुनी जाए लेकिन यहाँ पे जो फोकस किया गया है यहाँ पे एम्प्लॉई को प्रोटेक्शन ज़्यादा दी गई है और लेबर्स को क्या किया गया उनको सप्रेस किया गया उनके राइट्स को तो यही चीज़ें इन्होंने बोली हैं ये सारे इनके बताए गए हैं कि पहले जैसे बीस या फिर उससे ज़्यादा के जहाँ पर जो लेबर हैं किसी का ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है तो वहाँ पर अप्रूवल दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर का लेकिन अब ये कर दिया सरकार ने कि जहाँ पर पचास है, तो वहाँ पे अप्लाई होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन है ना और दूसरा जो है कि पहले जो कॉन्टैक्ट लेबर थे मतलब उनके रेगुलेशन के लिए ट्वेंटी वर्कर्स ही होते थे तो अभी फिफ्टी हो गए हैं और तो इससे मतलब क्या होगा जो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं उनको निकाल सकते हैं तुरंत बाहर है ना हायर और फायर कर सकते हैं जब चाहे जब मन करे तो ये चीज़ है और फिर जो कुछ नॉमिनल प्रोविज़न दिए गए हैं है ना कि जो इंटर स्टेड माइग्रेंट्स है उसको कंसीडर किया जाएगा जो अपना गांव छोड़कर मतलब कहीं और काम कर रहे हैं उसको मतलब प्रोटेक्शन मिलेगा तो ये चीज़ बोला गया कि पहले तो आप मतलब पांच लोगों को जॉब देते थे अब इसमें भी आपने पाँच से दस लोगों को बढ़ा दिया है ना तो इससे क्या होगा कि जॉब जो जिनको मिलनी भी थी वो भी नहीं मिल पाएगी और रिट्रेंचमेंट की प्रोसेस पर भी बात की गई है कि जो जो मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑटोनमी जो है एम्प्लॉयर को दे दिया है ज़्यादा है ना कि सौ से ज़्यादा जो लोग होंगे उसकी जगह पे क्या कर दिया तीन सौ लोग है ना कि मतलब जो पॉलिसी जो गवर्नमेंट से जो कंसेंट मांगा जाता है किसी को अगर हायरिंग करनी है किसी को अगर निकालना है कंपनी से तो अब तीन सौ लोग होंगे तो वो जो सौ लोग थे मतलब चाहे सौ है या दो सौ है तो उनके तो राइट्स का हनन होगा ना वो उनके पास कोई लीगल वो एक्शन भी नहीं ले सकते सरकार के मतलब उसके खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ क्योंकि जब उनकी स्ट्रेंथ ही नहीं है इतनी तो यही चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं एंड द चेंजेस हैव हैल्सो बीन मेड लीगल इंडस्ट्रियल एक्शन वर्चुअल इंपॉसिबिलिटी एंड द प्रेजेंस ऑफ यूनियन लेस देन वन इन फाइव एम्प्लॉयज़ आर करेंटली रिप्रेजेंटेड बाई यूनियन इवन फॉर्मल सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट ठीक है तो यही चीज़ बोली गई है कि uh, कोड ऑन जो सिक्योरिटी है दैट डिलीवर्स द फाइनल ब्लो इन द एमर्जिंग आर्किटेक्चर एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली जो लाइन है ये आप देख लो कि जो नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गनाइज सेक्टर है एन तो इन्होंने ये बोला था कि जो करंट क्राइसिस है वो ये शो करता है कि काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मेलिटी और इनक्वलिटी आ रही हैं अब इन कंडीशंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ का हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा और जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी ठीक है अब ये क्या क्रिएट करता है कंडीशन कि जो एम्प्लॉयर्स हैं अंडर इन्वेस्ट इन वर्कर्स तो वो वर्कर्स की कैपेसिटी में ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे और जो वर्कर्स होंगे वो भी इस तरीके से काम नहीं करेंगे कि उनको क्या करना है कंपनी के फ्यूचर के लिए काम करना है ठीक है तो वो अपने बस थोड़ा बहुत जो उनका फ़ायदा हो रहा है शॉर्ट टर्म का बेनिफिट उसी के लिए वो फोकस करेंगे तो इससे क्या होगा प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी और इससे कॉम्पिटेटिवनेस है वो भी नहीं बढ़ेगा है ना तो लैक ऑफ कॉम्पटिटिवनेस लैक ऑफ़ प्रोडक्टिविटी ये सब होगी और जिससे क्या है स्टेबिलिटी वगैरह ग्रोथ यहाँ पर नहीं होगी तो यही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं कि गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था चाहे वो करेंट इकोनॉमिक क्राइसिस को ले हो या फिर माइग्रेंट फ्लाइट को लेकर हो तो ये मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है और इसको मतलब एक अफसर में तब्दील नहीं किया है ना और काफ़ी सारे इसकी वजह से ये चेंजेस जो है वो होंगे तो यही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं यहाँ पे जो आर्टिकल है ट्रेड लाइटली प्लीज तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है उससे रिलेटेड आर्टिकल है सेक्टर नीड्स रेगुलेशन टू फैसिलिटेट ऑर्डरली ग्रोथ नॉट मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स तो यहाँ पे अभी यही बोला जा रहा है कि जनवरी 2020 में जो ब्रॉडकास्टर्स थे उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया जब ट्राई ने नोटिफाइड किया था न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक है तो न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत ट्राई ने एनटीओ यानी कि न्यू टेरिफ ऑर्डर जो थे वो इस सेक्टर के लिए लगाए थे है ना अब न्यू ब्रॉडकास्ट जो ये ब्रॉडकास्टर थे इन्होंने बोला कि इससे इनका क्या है कि जो इनका इनकम का रिसोर्स है वो बहुत कम है और इनको काफ़ी ज़्यादा इससे ये काफ़ी रिस्क में ये जा रहे हैं एंड दे आर अनेबल टू अन रेवेन्यू है ना तो ये कंज्यूमर से क्या नहीं कर पा रहे रेवेन्यू को अर्न नहीं कर पा रहे जिससे इनकी जो क्वालिटी ऑफ द कंटेंट दे प्रोड्यूस वो काफ़ी अफेक्ट हो रही है ना आपको पता है कि हमें जब तक मतलब अब टी के लिए लोग क्या करते हैं हमने जो सुशांत सिंह राजपूत का केस था वहाँ से हम देख रहे हैं उसके बाद उन्होंने रिया चक्रवर्ती और जो ड्रग्स है तो वो दिखा दिखा के हर न्यूज़ चैनल पे तो मतलब वही हर न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा था तो ये सब टीआरपी के लिए हो रहा था क्योंकि पीपल वर वाचिंग लोग देख रहे थे वो सब चीज़ें है ना और उनसे काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो माइंड है वो भी उसी डायरेक्शन में चला जाता है तो ये सब हरकतें फिर इनके द्वारा की जाती हैं अगर टैरिफ्स अगर बढ़ाए जाते हैं और फिर ये मतलब बहुत ही एक बेकार सा प्रोसीजर हो जाता है इनका तो ये यही चीज़ इसमें बोल रहे हैं कि काफ़ी सारी जो थी लिटिगेशन वगैरह भी सुप्रीम कोर्ट ने डाली थी है ना फिफ्टीन ईयरस अगो एंड लेकिन उसके बाद 2005-2019 में भी लेकिन इतने ज़्यादा जो है यहाँ पे क्योंकि जुडिशरी में काफ़ी ज़्यादा केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है और वहाँ पे रिजॉल्व भी नहीं हो, हो सकते एंड जो एंटरटेनमेंट इज़ नॉट अ पब्लिक गुड है ना इन्फॉर्मेशन इज़ लाइक क्लीन वाटर जैसे अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो ये इंफॉर्मेशन है इसको हम एंटरटेनमेंट के उसमें नहीं ले सकते ये प्योर होती है एयर प्योर एयर और एजुकेशन देर इज़ जस्टिफिकेशन फॉर द स्टेट टू रेगुलेट सेक्टर डीलिंग विद पब्लिक गुड्स तो यही चीज़ें एंटरटेनमेंट में मतलब अलग टाइप की चीज़ें आती है तो बस यही यहाँ पे बोला गया है कि जो रेगुलेशन है इनका वो ठीक तरीके से होना चाहिए अब मतलब मोनोपली भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए न किसी की अब जैसे जो जैसे जियो है तो जियो की क्या हो रही है अभी आपको पता है अगर जैसे आइडिया का किसी के पास अगर नंबर हो तो आइडिया में कॉल ड्रॉप होना भी स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा अब इनके जो थे प्राइस एयरटेल में ठीक है एयरटेल में वोडाफोन में इंटरनेट रिचार्ज पहले बहुत थे पहले बहुत ज़्यादा थे लेकिन जब से जियो आया तो इन्होंने अपने को क्या कर दिया बिल्कुल कम कर दिया है वी ने है ना कि हम वी हैं तो हम इन्होंने कम किए फिर भी उस हिसाब से इतना नहीं है क्योंकि कर नहीं सकते बहुत ज़्यादा बर्डन में ये है तो यही बोल रहे हैं कि एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जैसे टेलीकॉम सेक्टर में वैसे ये जो ब्रॉडकास्टिंग है टी वगैरह इनके लिए भी नाइन्टी ऑफ इंडियन सिटी डिक्लेर्ड ओ डी बंगाल डाटा पेंडिंग तो ओ स्टेटस मिला है ओपन डेफिकेशन ठीक है और किसके तहत ये मिला है स्वच्छ भारत जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन एस बी एम रूर ठीक है और एक हमारी एस बी एम अर्बन स्कीम भी है ठीक है तो ये भी याद रखना है जम्मू कश्मीर एडमी लॉन्चेस फेस थ्री ऑफ बैक टू विलेज पब्लिक आउटरीच इनिशिएटिव तो ये अगर आता है बी टू वी थ्री क्या है तो ये क्या है बैक टू सिस्टम बैक टू विलेज बैक टू विलेज ठीक है ये स्कीम है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम है क्योंकि ये गांधीयन आइडियाज़ पे बेस्ड है ऑफ ग्राम स्वराज इन पंचायती राज सिस्टम तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ये एक एक, एक एक एफर्ट ये कर रहे हैं कि मतलब सारे लोगों पे ये जा सके हर स्टेक होल्डर्स तक पहुंच सके और जो डिसीजन मेकिंग है पब्लिक पॉलिसी है तो उसको फॉर्मूलेशन में मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहे तो एक पॉजिटिव सोशल पोलिटिकल चेंज ये है इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर चाइनाज क्लाइमेट कमिटमेंट में सारा ही डिटेल से ही हम पढ़ रहे हैं ना थोड़ा इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि डिटेल हमने नहीं पढ़ी है सारी न्यूज़ कवर हो रही है तो यहाँ पे ये यह है कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैं प्रॉमिस चाइना वुड बी कार्बन नेट ज़ीरो अब यहाँ पे देखो अभी क्या हुई थी जो एक अभी सबमिट हुई थी है ना यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस तो अभी नहीं हुई लेकिन हर साल होती है अभी लेकिन चाइना की जो अ, यू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो समेटी थी तो वहां के जो चाइनीज प्रेजिडेंट है जी जिनपिंग वहां पर टू सरप्राइजिंग प्रॉमिस उन्होंने दे दिए ये प्रॉमिस दिया कि पहला ये था कि चाइना वुड बिकम कार्बन नेट जीरो बाय द ईयर 2060 अब नेट जीरो क्या होता है अ स्टेट विच अ कंट्री एमिशन आर कंपनसेटेड बाय एब्जॉर््पन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमोसफियर ठीक है तो आप क्या करना है उसको ग्रीन हाउस गैसेज को आपने अपने एटमोसफियर से आ, उनको चाहे आप एब्जॉर्व करो या फिर उनको रिमूव करो ठीक है कैसे भी तो ये क्या होता है नेट जीरो तो 2060 तक ये बोला है एंड चाइना इज ऑलरेडी कमिटेड टारगेट फॉर लेटिंग इट्स एमिशन स्पीक फ्रॉम बाय ट्वेंटी थर्टी टू बी बिफोर ट्वेंटी थर्टी ठीक है तो यही इन्होंने बोला है कि स्मॉल चेंज जो कर ही दिया है एंड चाइना अभी जो है वुड नॉट अलाउ इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू ग्रो बियॉन्ड दैट पॉइंट जी डिड नॉट स्पेसिफाई कि हाउ सुन बिफोर ट्वेंटी थर्टी मीन्स अब यहाँ पे जो नेट जीरो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट टारगेट है ठीक है तो यहाँ पे ये चीज़ है कि फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स दे हैज़ बीन अ कंसनट्रेट कैंपेन टू गेट कंट्रीज स्पेशली द बिग एमिटर्स तो जो बिग एमिटर्स हैं जो ये कंट्रीज ने मतलब कमिट किया था कि ये क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे बाय द ईयर ऑफ ट्वेंटी लेकिन इसे ये बोला जाता है कि इसके लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ को मतलब ज़रूरत है कि वो अपने कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करें और चाहे वो क्या करें लैंड वगैरह जो एरिया है उसको बढ़ा के करें जो फॉरेसिंग हो रहा है उसको वो कवर अप करें कहीं से भी अगर ऐसा नहीं होता है ये सारे काम जो है एडिकेट <coughs> नहीं होते तो वो क्या कर सकते हैं कंट्रीज़ कैन कमिट दिम टू डिप्लॉइंग टेक्नोलॉजी है ना तो टेक्नोलॉजी के थ्रू वो फिजिकली रिमूव कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर ग्रीन हाउस गैसेस को हमारे वातावरण से तो अब जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूवल टेक्नोलॉजीज होती हैं वो क्या है अभी अनप्रूवन है और वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है है ना तो ये वाला तो सेकंड वाला जो मेथड है ये हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है लेकिन पहले वाला है कि हम फॉरेस्ट कवर को तो एटलीस्ट बढ़ा सकते हैं ना अपने जो लैंड मार्स मतलब ये सब है, है ना अब साइंटिस्ट ने बोला है कि क्लाइमेट चेंज कैंपेन ग्रुप से ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050 फिफ्टी इज द ओनली वे टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट जो पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट थे ना कि ग्लोबल टेम्परेचर को जो है टू पॉइंट टू डिग्री सेंटीग्रेड से मतलब क्या प्री इंडस्ट्रियल टाइम है उससे ज़्यादा ऐसे राइज नहीं होने देना है एट द करेंट रेट ऑफ एमिशन द वर्ल्ड हैडेड फॉर अ थ्री टू थ्री डिग्री टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड राइज टेम्परेचर टू वन ज़ीरो जीरो तो ये बोला गया है कि सिग्निफिकेंट कैसे है चाइना का कमिटमेंट क्योंकि देखो चाइना ही ऐसा है देश जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट मीटर है ग्रीन हाउस गैसेस का ठीक है तीन देश मिलके यूएसए यूरोपियन यूनियन और इंडिया ठीक है ये तीनों मतलब इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते जितना अकेला का चाइना कंट्रीब्यूट करता है ठीक है कार्बन इमिशन में थर्टी परसेंट चाइना करता है तो ये चीज़ है एंड थ्री बिगेस्ट इमिटर्स गेटिंग चाइना टू कमिट इट सेल्फ और नेट जीरो टारगेट तो दस साल तक भी वो करे तो काफ़ी सारे मतलब इससे जो प्रॉब्लम है ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाएगी एंड सो फार द यूरोपियन यूनियन वॉज द ओनली बिग इमिट टू हैव कमिटेड इट सेल्फ और इमिशन ट्वेंटी फिफ्टी मोर देन सेवेंटी अदर कंट्रीज हैव आल्सो तो सत्तर और देश हैं यूरोपियन यूनियन के अलावा जिन्होंने ये कमिट किया है लेकिन वो जो सत्तर देश हैं वो छिटपुट देश हैं मतलब वो उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं नहीं पड़ता है प्लानेट में है ना लेकिन जो ये जो बिग फोर है ठीक है जो बिग फोर हैं यानी कि कौन सी यू ई यू इंडिया तो चाइना यू एस एंड ई यू यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया तो यही सबसे ज़्यादा हाफ ऑफ द ग्लोबल इमिशन जो है यही काउंट करते हैं और इसके बाद आती है रशिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका जापान ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो इनको ही ज़्यादा कार्बन इमिशन में जो रिड्यूस है उसको करने की ज़रूरत है एंड साउथ अफ्रीका अफ्रीका ने डिक्लेयर किया है कि वो कार्बन न्यूट्रल बनेंगे बाई ट्वेंटी ट्वेंटी और उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट है ठीक है तो उन्होंने तो क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने तो वॉकआउट ही कर लिया था कि ये टारगेट वगैरह कुछ नहीं है एंड इंडिया की कमिटमेंट यही है कि इंडिया मतलब बार बार बोलता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो ये जो अपने प्रामिसेस करती हैं कि उसमें फ़ेल हो जाती है उसको फुलफ़िल करने में एंड दे मेड अर्लियर मतलब उनके कमिटमेंट से बचती हैं एंड इंडिया ऑल्सो बीन और गिविंग दैट दिस क्लाइमेट चेंज एक्शन इट हैज़ बिन टेकिंग केयर और हम क्या कर रहे हैं काफ़ी सारी कंट्रीज से हम बेहतर काम इसमें कर रहे हैं है ना डेवलप्ड कंट्री से अच्छा काम हम कर रहे हैं हिस्टोरिकली हमने जो क्लाइमेट चेंज निगोसिएशन है चाइना के साथ हमारे बाकी सारे मुद्दों पर जो विवाद रहे हैं लेकिन क्लाइमेट चेंज में हम काफ़ी बेहतर कर रहे हैं दोनों ही देश एंड अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ये ग्लोबल ग्रुप है ये साइंटिफिक एनालिसिस करता है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ठीक है तो इन इन्होंने ये रिलीज़ किया है कि दोनों ही देश जो है ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करेंगे प्रोजेक्शन फॉर टू वन जीरो जीरो बाई अबाउट पॉइंट टू डिग्री सेंटीग्रेड तो यही है एंड अब जो है चाइना ने जो कमिटमेंट किया है तो इंडिया का इसमें क्या मतलब हो सकता है इंडिया के लिए तो ये हो सकता है कि इंडिया को भी एक तरह से प्रेशराइज चाइना करेगा कि आप भी इतना करो है ना और हम इतना कर नहीं सकते दैट इज़ समथिंग दैट इंडिया इज़ अनलाइकली टू डू कि हम ट्वेंटी फिफ्टी तक नेट ज़ीरो गोल जो है नहीं रख सकते हैं एंड यही इस पर डिस्कस की गई है बातें ट्रम्प टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड नाइन्टीन ठीक है तो इनका काफ़ी मजाक भी बन रहा था ट्रंप का कि चलो कुछ तो पॉजिटिव पोस्ट किया है ट्रंप ने कि ही टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड एंड जो अदर वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी ये सब पॉजिटिव पाए गए थे बोरिस जॉनसन जान और जेयर बोल्सनारो जारायरे बोल्सनारो ब्राज़ील के ठीक है निकोल फाशियन जो अर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर ठीक है आर्मेनिया का जो वो नो, नो ब्रोक, जो जो रीजन है उसको याद रखना है ना वो कहाँ पर है इसके अलावा यहाँ पर फ्रांस मैक्रोन टू लॉन्च क्रैक डाउन ऑन इस्लामिक सेपरेटिज्म मुस्लिम कंट्रीज तो ये भी एक न्यूज़ थी इम्पॉर्टेंट एंड ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड फोर्स बिहाइंड ग्रोइंग मी टू मूवमेंट तो ये भी है एंड इंडिया जर्मनी एयरबल सस्पेंडेड एयर फ्राम द बोथ नेशन कैंसल फ्लाइट्स तो बस यही न्यूज़ इम्पॉर्टेंट थी एंड थैंक यू हैव अस डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट